इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बाद जहां दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है, वहीं इसका असर अब भारत पर भी मिल रहा है। इसराइल के निवासी जहां भारत के विभिन्न इलाकों में घूमने आए थे, वहीं इस घटना के बाद वापस अपने देश जा रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के जिला कुल्लू में भी इसराइल के रहने वाले शहरियों के बीच तनाव की हालत है। जैसे उन्हें इस आतंकी हमले के बारे में जानकारी मिली, तभी से वो अब वापस अपने देश की तरफ रवाना हो रहे हैं। इस पूरे मामले में इसराइल में अब तक 2000 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। इसराइल और हमास के बीच जंग जारी है। हमास के हमले में अब तक 3000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। इसराइल में अब तक 2000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। I can contact my family in the last few days, and they are not in danger right now because they live in the secure part of Israel. At this moment, it's still secure. The situation in Israel is horrible. I can contact my family. हमले में 770 के करीब फलस्तीनी भी मारे गए हैं। मौत का मंजर जारी है इसराइल में। इस बीच आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भी इसराइल के कुछ शहरी पहुंचे थे बतौर टूरिस्ट। अब उन्हें भी जल्दी है कि अपने देश वापस पहुंचे। बता दें आपको कि इसराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है और इस जंग में अब तक तकरीबन 3000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लोगों के बीच तनाव का माहौल है। लोग जो इसराइल से भारत आए थे घूमने के लिए, वो भी अब वापस अपने देश जाने के लिए बेताब हैं।